हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक सक्सेना और आप देख रहे हो बीके राजेंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूट्यूब ने कुछ रूल्स लागू किए थे और उसमें ये हुआ था कि कुछ लोगों के चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गई थी। तो चलिए इसको देख लेते हैं फ्रेंड, कि हम रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब वालों को कैसे हम ईमेल कर सकते हैं कि हमारे चैनल का रिव्यू करें और हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन को ऑन करें। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च किया और कुछ लोगों ने अलग अलग स्टेप बताए, अलग अलग मॉडल मैंने उस पर अप्लाई किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने खुद इसमें सर्च किया और एक अच्छा जरिया आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप यूट्यूब वालों को ईमेल कर पाएंगे और अपने चैनल का रिव्यू करा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको YT स्टूडियो की आवश्यकता होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि मैं डायरेक्ट इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना चैनल सब चीज़ें ऐड की है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ये 3 लाइन पर। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, दोस्तों हेल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल गया। उसके बाद आप ईमेल पे क्लिक करिए, जस्ट मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। ईमेल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन एंड एडसेंस, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोला फर्स्ट नेम, मतलब अपने चैनल का फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सब चीज़ ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पर बोला चैनल URL, तो यहाँ पर आप अपना चैनल URL यहाँ पर ऐड करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना चैनल URL यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आपको बता देता हूँ चैनल URL कैसे निकलता है, जस्ट आप YouTube पे चले जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप माई चैनल पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, माई चैनल यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये 3 डॉट दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट पे, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आपको कॉपी का लिंक का ऑप्शन आ जाता है, चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल का URL कॉपी करने के बाद आप फिर से वहीं पे चले जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं चैनल का URL पेस्ट कर देता हूँ, तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर बोला हाउ यू कैन हेल्प यू, मतलब आपकी मैं किस प्रकार की मदद कर सकता हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मुझे किस प्रकार की मदद चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, मतलब जो इस वीडियो में बता रहा हूँ यही मदद लिखूंगा। आपको जो मदद चाहिएगा, आप जो चूज किए रहेंगे, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद आप ये को यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ XYZ, उसके बाद आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर डायरेक्ट ईमेल कर दीजिए। दोस्तों, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हम ईमेल करते हैं तो 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाता है, या 1 दिन के अंदर यहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।